क्या इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है कि उन्होंने बोला कि मेरे पापा इतने मतलब दारू पीते हैं, शराब पीते हैं? ये बच्चा है, उसको क्या पता है शराब तो नहीं पीते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम सोनू कुमार के घर। घर उनका मेरे सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम गाइस चलते हैं थोड़ा अंदर, उनको बुलाते हैं। तो गाइस मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे सोनू कुमार से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इनमें जो टैलेंट है वो मुझे सामने से दिख रहा है। मैंने जितने भी सोशल मीडिया पे देखे और काफी वीडियोस देखे, तो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा टैलेंटेड है ये, और इनका टैलेंट मुझे साफ साफ दिखता है। क्योंकि गाइस इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा बोलना और समझदारी होना ये कोई छोटी बात नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इनकी एज मात्र 11 साल है, सिर्फ 11 साल है, और 11 साल की उम्र में मैं अगर अपनी बताऊं तो 11 साल की उम्र में मैं कुछ जानता भी नहीं था कि पढ़ाई, राजनीति, ये वो दिस दैट। लेकिन इस उम्र में इस लड़के ने, सोनू कुमार ने, इस उम्र में इतनी ज्यादा नॉलेज हासिल कर ली है, खासकर गरीब फैमिली से होकर। क्योंकि गाइज अगर आपको पता हो तो गरीब फैमिली से बिलोंग करने के बाद आदमी ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, जिस काम में हो उसी काम में खुश रहता है। ज्यादातर लोग तो अपने पिताजी के हाथ बटाने में ही लग जाते हैं कि जो चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन इन्होंने छोटी मोटी नौकरियां नहीं, IAS तक का सपना देखा है गरीब फैमिली से होकर, जो कि बहुत बड़ी बात है। इनसे कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैं घर से पर्सनली कुछ सवाल सोच कर आया था। तो आप बताइए, इतनी गरीब फैमिली से होने के बावजूद आप जो ये इतनी ऊपर लेवल का सपना देखे हैं, इसे पूरा करने के लिए आपने इतनी मेहनत जो लगा दी है, कई बार नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए और उनसे बात की कि हाँ मुझे बनना ही बनना है, ये जुनून आप में कहाँ से आया? माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चैनल से आया। उसके बारे में कुछ बताइए। उनके बारे में क्या बताएं, वो चैनल पर बताते हैं सभी। तो मतलब उनके चैनल पर देखकर आपको ये इंस्पिरेशन मिला कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ गोल अपना बना लिए कि हाँ ये करके अपना घर का, परिवार का, गांव का नाम रोशन करना है और देश की सेवा करनी है। तो गाइज मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका मेहनत और इनका लगन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि हाँ इन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो करना है और आगे बढ़ना है। तो अभी हमारे, देखिए हमारे भाई लोग भी इनसे कोई सवाल करेंगे और हम देखेंगे जरूर। इतने ज्यादा लोग इनसे मिलने आ रहे हैं तो भाई की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, तो इनसे ज्यादा सवाल हम नहीं करेंगे, जितना पूछ लिया उतना हमारे लिए काफी है। आप मतलब अभी तक सपोर्ट कुछ आया कि नहीं? सभी लोग बोल रहे थे एडमिशन करवा देंगे। एडमिशन तो आपको शुरू से ही हो रहा था, लेकिन बॉन्ड जो आप बोल रहे थे, बॉन्ड का भाग क्या, बॉन्ड आपका बना कि नहीं बना अभी तक? पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला, उनके आभार इंतजार में देखिए कैसे होता है। बोलने का तो बोल रहे हैं, लेकिन आपका बॉन्ड जो चाहिए वो तो IAS तक का सफर वो बनेगा, सही बनाने के लिए तैयार है, तैयार है। तो आपने IAS का सपना क्यों देखा और राजनीति का क्यों नहीं देखा? राजनीति में कोई, तो आप अभी कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? अभी मतलब ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ना? तो कितने क्लास तक पढ़ाते हैं आप ट्यूशन? तो मतलब जो आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, क्या? देखिए एक तरह से अगर देखा जाए तो सही, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता, सरकारी में जितना हम पढ़े हैं उतना उस सरकार में तो कुछ पढ़े नहीं जाते हैं। आपको जितना मोबाइल में हमको क्वेश्चन पता ही नहीं है, लेसन का नाम नहीं पता, चैप्टर का नाम नहीं पता है ना। इसे मुद्दे को छोटी सी बात में मुख्यमंत्री जी के सामने बोला और वो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। क्या इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है कि उन्होंने बोला कि मेरे पापा इतने मतलब दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है या फिर उन्होंने पब्लिसिटी के लिए ऐसा करा? ये बच्चा है, उसको क्या पता है शराब तो नहीं पीते हैं, घर में तार लगता है ताड़ी। अच्छा मतलब उन्होंने ताड़ी को ही शराब समझ लिया, लेकिन उनकी मैच्योरिटी आज सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे जितनी ज्यादा है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि वो ऐसा बोल सकते हैं। शायद छोड़िए इन बातों को, मैं आगे बढ़ता हूँ। सोनू जो थे बचपन से ही ऐसे थे या फिर उनमें विलक्षण प्रतिभा थी? लेकिन सर एक चीज होती है कि एक आज राजनीति बन गया है, आपका लड़का एक अपनी मांग को रखता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे पढ़ना चाहता हूँ, और वो राजनीति बन चुकी है कहीं ना कहीं। अगर
इतने लोग प्रतिभावान हैं, जिम्मेवार लोग आपके यहाँ मिलने आ रहे हैं सोनू से, तो कहीं ना कहीं वो सरकार को भी इस चीज से मार्गदर्शन करा सकते हैं। जैसे जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कैमरे पे, लेकिन उन्होंने पहले ये कोशिश क्यों नहीं किया? आप इस पे क्या राय रखते हैं? नहीं, आपकी बात मैं कर नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो जिम्मेवार लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने पहले कोशिश क्यों नहीं करा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, शराबबंदी लागू हो जाए? आज राजनीति उन्हीं लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है राजनीति नहीं हो रही है? हो रहा है ना, दो मिनट जाइएगा। नहीं तो गाइस, आपने देखा हमने सोनू जी से बात की बहुत ज्यादा अच्छे से, और उन्होंने हमें काफी कुछ बताया। उनके नॉलेज को हम नकार नहीं सकते हैं जो उन्होंने हासिल की है वीडियोस देख देख कर। ये काफी बड़ी बात है गाइस कि वीडियोस देख देख कर इतने ज्यादा नॉलेज हासिल कर लेना और इतना ज्यादा बोल देना, ये कोई छोटी बात नहीं है।